इस समय मैं खड़ा हूँ स्टेशन रोड बड़गांव गोंडा एरिया में, जो कि नूरामल मंदिर से सटा हुआ है, बना रखा है। हर बार तो ये गुफा बनाते थे, पर आइए दिखाते हैं आपको ये सुंदर सा ये जो मार्ग है अंदर जाने के लिए। हर बार यहाँ कुछ अलग ही सस्ता है, कभी गुफा बनता है, कभी पहाड़ बनता है, कभी राक्षस के मुंह से, कभी शेर के मुंह से। आइए हम आप सभी लोगों को अंदर की तरफ लेके चलते हैं, अंदर का नजारा दिखाते हैं। बड़ा सुंदर सा गुफा है। बाएं हाथ पे प्रेतराज जी का दर्शन हो रहा है। अंदर चलते हुए माँ भवानी का भव्य और विशाल, हम लोग गुफा से बाहर निकले हैं। बाहर निकलते ही हमारे पंडाल में सबसे पहले बालाजी महाराज का दर्शन हो रहा है सामने ही। का शुभ नाम क्या पड़ता है? प्रीति तुलस्यान। प्रीति जी, प्रीति जी, यहाँ पर महामाई इतना सुंदर सा दरबार है और देखिए किस तरह से ये मूर्ति, वास्तव में मूर्तिकार ने बहुत सुंदर सी मूर्ति की रचना की है। पर मैंने ये भी दिखाने की कोशिश करी, इतनी सुंदर सी जो मूर्तियां बनाते हैं, कोरोना काल में उनको बेचारे को बहुत नुकसान हुआ है। ये मैंने दिखाने की कोशिश करी इसके पहले कि इतनी नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं खड़ा हूँ स्टेशन रोड बड़गांव गोंडा एरिया में, जो कि नूरामल मंदिर से सटा हुआ है। मारवाड़ इंटर कॉलेज की ये गली है और यहाँ पर माता रानी का बहुत सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। ये दरबार तो प्रत्येक वर्ष सजता है, कितने वर्षों से सज रहा है ये मैं बताऊंगा, अभी इन लोगों से मिलवाऊंगा, इन्हीं लोगों से बात करता हूँ। पर इस बार यहाँ पर इन्होंने माता जी की सवारी जो है सिंह, उसका मुखौटा इन्होंने द्वार, मुख्य द्वार पर ही बना रखा है। हर बार तो ये गुफा बनाते थे, पर आइए दिखाते हैं आपको ये सुंदर सा ये जो मार्ग है अंदर है। आइए मैं मिलता हूँ सीधे पंकज पाठक जी से। पाठक जी, आप इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष जी, और प्रत्येक वर्ष यहाँ गुफा मैंने देखा है कि बनता था, पर इस बार कुछ अलग हट करके। गुफा नहीं, हर बार यहाँ कुछ अलग ही सस्ता है, कभी गुफा बनता है, कभी पहाड़ बनता है, कभी राक्षस के मुंह से, कभी शेर के मुँह से। जैसे इस बार आज देर सिंह द्वार है, शेर के मुँह से प्रवेश है, इससे तरह अलग अलग तरीके से सजाया जाता है हर साल। हमारे साथ यहाँ पर कमेटी के और भी लोग हैं और मैं इनसे भी बात कराता हूँ। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? अनूप अग्रवाल। अनूप अग्रवाल जी, आपको, आप इस कमेटी के सदस्य हैं? महामंत्री जी, महामंत्री। आप महामंत्री हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस बार मैंने देखा कि ये सिंह द्वार बहुत सुंदर सा लग रहा है और मुझे लगता है कि ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तमाम लोग इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। माता रानी के दरबार में हर साल प्रयास रहता है कि सभी माँ भक्तों को कुछ नई चीज दी जाए देखने को, तो इस बार कल्पना की गई कि माँ को सिंह द्वार के द्वारा दर्शन कराया जाए। सुना आप सभी लोगों ने। आइए, हमारे साथ इस समय पत्रकार बंधु भी खड़े हुए हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है इनको देख करके। मैं इन्हीं से सीधे आपको रूबरू करवाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या? राजेश कुमार जायसवाल। जयसवाल जी, आप भी पूरे शहर में घूम रहे हैं, जगह जगह पर दुर्गा प्रतिमाएं लगी हुई हैं, पर आपने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये मुझे लगता है कुछ अलग हट करके दिखा। बिल्कुल बिल्कुल अलग हट के है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र आएगा। आइए हम आप सभी लोगों को अंदर की तरफ लेके चलते हैं, अंदर का नजारा दिखाते हैं। बड़ा सुंदर सा गुफा है। हम इस समय गुफा से बाहर निकल आए। आइए अब हम यहाँ बात कराते हैं कि यहाँ पर बड़ा सुंदर सा ये भी दरबार सजा हुआ है गुफा से बाहर आते ही, तो इसके विषय में ये बताएं जरा सा कि ये किनका दरबार है। जैसा कि आपने अभी देखा, सिंह द्वार होते हुए हम लोग गुफा से बाहर निकले हैं। बाहर निकलते ही हमारे पंडाल में सबसे पहले बालाजी महाराज का दर्शन हो रहा है सामने ही। बाएँ हाथ पे प्रेतराज जी का दर्शन हो रहा है। अंदर चलते हुए माँ भवानी का भव्य और विशाल दर्शन आपको करने को मिलेगा। बोल सच्चे दरबार के, भाड़ा वाली मैया के। देखिए आप लोग कितनी भारी संख्या में यहाँ पर माताएं, बहनें, बच्चे और तमाम हमारे नौजवान साथी, बूढ़े लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मस्ती है महामाई के चरणों में, सभी लोग आते हैं और यहाँ पर किस तरह से उत्साहित हैं, किस तरह से आनंदित हैं, सभी के चेहरे पर खुशियाँ देखी जा सकती हैं। आइए हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं। पुजारी जी, महामाई का इतना सुंदर सा दरबार है, लोहान की खुशबू भी आ रही है और वास्तव में बड़ा ही अच्छा लग रहा है, इस संबंध में थोड़ा सा आप जी। जो है माता जी का त्यौहार है,
रावण के मरने पर जो है खुशी मनाया जाता है। नवरात्रि जो है चार पड़ता है साल भर में, दो गुप्त है जो एक चैत्र राम नवमी आता है, एक माता जी का नवरात्रि आता है, इसीलिए जो है माता जी का धूमधाम से मनाया जाता है, हम लोग का ही पर्व त्यौहार है। देखिए इन्होंने कुछ बातें बताई जो आप सभी लोगों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश करी, और आइए मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आसपास के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं माता माई का, महामाई का। आइए हम एक बहन से बात करते हैं, आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? प्रीति तुलस्यान। प्रीति जी, प्रीति जी, यहाँ पर महामाई का इतना सुंदर सा दरबार है, उससे बढ़िया हमने देखा बाहर से ही, जैसे आप शेर का मुख आपने देखा उसमें घुसते हुए चली आई उनके मुख के माध्यम से, इतना सुंदर सा दरबार, कुछ कहेंगी आप? हाँ, मैं चाहूँगी कि ये दरबार हमेशा ऐसे ही सस्ता रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक साहबगंज की माता रानी का नाम रहेगा। इन्होंने कितनी अच्छी बात करी है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यहाँ पर इसी तरह से दरबार सजता रहेगा। आइए हम कुछ लोगों से और भी बात करते हैं, और देखिए बड़ी खुशी महसूस कर रही हैं बहुत माताएं बहनें हमारी, इनके चेहरों पर खुशियां साफ देखी जा सकती हैं। एक बहन और। बहन जी आपका नाम क्या है? रंजना। इधर आ जाइए। इतना सुंदर सा दरबार है, और देखिए किस तरह से ये मूर्ति, वास्तव में मूर्तिकार ने बहुत सुंदर सी मूर्ति की रचना की है, पर मैंने ये भी दिखाने की कोशिश करी इतनी सुंदर सी जो मूर्तियां बनाते हैं, कोरोना काल में उनको बेचारे को बहुत नुकसान हुआ है, ये मैंने दिखाने की कोशिश करी इसके पहले कि इतनी मूर्तियों को इतने अच्छे ढंग से अच्छा रूप देते हैं और इतना सुंदर सा सजाते हैं लोग भक्ति भाव में डूब करके, पर सोचिए जरा उनके दर्द को भी एक बार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बेचारे मूर्तिकार जो चार महीने से यहाँ पड़े रह करके अपने बेबी बच्चों के लिए चार पैसा कमाने आते हैं, कम पैसों में मूर्तियाँ बेच करके उनको जाने की स्थिति पैदा हो रही है। जी वो तो बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुख की तो बात यही है, लेकिन ये कि वो लोग जो कहते हैं मेहनत तो उसका तो फल मिलता ही है ना, उन्हें माता जी कहीं ना कहीं से देती ही हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। वाह, अगर आज उनको माता जी ने इस स्थिति में रखा है तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी खुशियां आए और वो कहीं ना कहीं से पूरा होगा। एक बार मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर जरूर आए, दर्शन करिए महामाई का, इतना सुंदर सा दरबार है, और बार बार आप ये सोचेंगे कि वास्तव में कितनी अच्छी सजावट यहाँ की है, कितनी अच्छी मूर्ति है, मूर्तिकार ने किस तरह से रूप दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव फिर कहीं आपसे मिलूंगा, सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़।